एक समय की बात है, विराटनगर नाम के एक राज्य में चतुर्भुज सेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा चतुर्भुज बहुत ही कला प्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाला था। उसे गीत, संगीत, नृत्य कला में बहुत ही दिलचस्पी थी। उसके राज दरबार में कई गीतकार, संगीतकार शामिल थे, जो समय समय पर अपनी कला के द्वारा उसका मनोरंजन किया करते थे। जब भी उसके दरबार में कोई नया कलाकार आता तो राजा चतुर्भुज उसका पूरा सम्मान करते। यदि वो अपनी कला से राजा को प्रसन्न कर दे तो राजा उसे खूब इनाम भी देते। इसी तरह से एक दिन चतुर्भुज के राज दरबार में एक कहानीकार पेश हुआ, जिसने राजा से कहा कि वो कहानी सुनाकर राजा का मनोरंजन करना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दे दी तो कहानीकार ने राजा को एक कहानी सुनाई। राजा बहुत ही ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगा और राजा को उसकी कहानी बहुत ही पसंद भी आई। कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, कहानीकार, तुम्हारी कहानी हमें बहुत ही पसंद आई, क्या तुम रोज हमें एक ऐसी ही कहानी सुना सकते हो? ये तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है हजूर, कि मैं आपकी ये सेवा कर सकूं। तो ठीक है कहानीकार, हम तुम्हें अपने दरबार में नियुक्त करते हैं। तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दी जाएगी और तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। बस तुम्हें रोज हमें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। उस दिन के बाद कहानीकार राजा के दरबार में रोज राजा को कहानी सुनाता। राजा भी बड़े चाव से वो कहानी सुनता। समय बीतने लगा, दिन, महीने और फिर पूरा एक साल बीत गया। राजा रोज एक कहानी सुनता। कहानियां सुनते सुनते राजा को कहानी सुनने का चस्का लग गया। हालत ये हो गई कि उसे कहानी सुने बिना चैन नहीं पड़ता था। इधर कहानीकार की कहानियां भी अब खत्म होने लगी थी, और जब कहानीकार के पास कोई कहानी ना बची तो वो राजा को झूठी सच्ची कहानियां बनाकर सुनाने लगा। परंतु अब ये झूठी कहानियां राजा को पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन इसी तरह की एक झूठी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहानीकार को फटकारते हुए कहा, कहानीकार, अब तुम्हारी कहानियों में पहले वाली बात नहीं है। पहले तुम्हारी कहानियों में सच्चाई होती थी, परंतु अब तुम कुछ भी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर मुझे टालना चाह रहे हो। लगता है तुम्हारी कहानियां अब खत्म हो चुकी हैं। कहानीकार बोला, महाराज, ये बात सच है कि मेरे पास जितनी भी कहानियां थी वो इस एक साल में मैं आपको सुना चुका हूँ। अब तो मैं आपको झूठी कहानियां ही सुना सकता हूँ। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुस्से से भरे राजा ने कहा, अच्छा, यदि अब सिर्फ झूठी कहानियां ही बची हैं तो मैं ऐसी झूठी कहानी सुनना चाहता हूँ जिसको कोई सच साबित ना कर सके। आज इसी वक्त पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो भी आदमी हमें इस दुनिया की सबसे झूठी कहानियां सुनाएगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे, और यदि वो ऐसा ना कर सका तो 100 कोड़े इनाम में दिए जाएंगे। राजा की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी गई। घोषणा सुनकर पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। लोग राजा को झूठी कहानियां सुनाकर इनाम तो पाना चाहते थे, परंतु 100 कोड़े खाने के डर से कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आया। कुछ दिन बीते, एक चरवाहा जो पास के ही गांव में रहता था वो राजा के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं आपको झूठी कहानी सुना सकता हूँ। राजा ने कहा, सुनो चरवाहे, क्या तुम्हें हमारी शर्त मालूम है? जी हाँ अन्नदाता, यदि मेरी कहानी सच्ची निकली तो आप मुझे 100 कोड़े लगवाएंगे, और यदि मेरी कहानी झूठी निकली तो मुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम अपनी कहानी सुनाओ। अभी लीजिए महाराज, तो सुनिए मेरी कहानी। कहानी तब की है जब मैं बहुत ही छोटा था। मेरे पिता मुझे बहुत ही मानते थे। उनके हर काम में मैं उनका साथ दिया करता था। यहाँ तक कि मैं उनकी बारात में भी उनके साथ गया था। अफसोस की बात यह है कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बस महाराज, मेरी पहली कहानी खत्म हो गई। चरवाहे की कहानी सुनकर महाराज ने पहले तो जोर से ठहाका लगाया और फिर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने मुझे कैसी कहानी सुनाई? भला कहीं तुम अपने बाप की शादी में भी जा सकते हो?
तब आपको मानना पड़ेगा महाराज कि मेरी कहानी बिल्कुल झूठी है। चरवाहे की बात सुनकर राजा चौंक गया। तुम वास्तव में ही बड़े चालाक हो लड़के, हम तुम्हारी पहली कहानी को झूठी मानते हैं, अब तुम हमें दूसरी कहानी सुनाओ। दूसरी कहानी सुनाने के लिए मैं एक दिन का समय चाहता हूँ अन्नदाता, दूसरी कहानी मैं आपको कल सुबह सुनाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और वो चरवाहा वापिस अपने घर चला गया। दूसरे दिन वो चरवाहा वापिस दरबार में पेश हुआ और कहानी सुनाने लगा। महाराज तो सुनिए आज मेरी दूसरी कहानी। महाराज एक बार की बात है, मैं खेत में हल जोत रहा था, उस समय बरसात का मौसम था। रोज की तरह मेरी माँ खेत में आई और मेरे खाने के लिए दो आम और रोटियाँ लेकर आई। मैंने रोटियाँ खाने के बाद आम खाए और उन आम की गुठलियों को अपने बैलों की पीठ पर रख दिया। उसी समय मूसलाधार पानी बरसने लगा और देखते ही देखते उन गुठलियों से बरगद के दो पेड़ निकल आए। मैं उन्हीं पेड़ों की छाया में खेत में हल जोतने लगा और जरा सा भी पानी में नहीं भीगा। बस महाराज मेरी ये दूसरी कहानी भी समाप्त हो गई। अरे मूर्खानंद, भला कहीं एक दिन में भी वृक्ष बड़े होते हैं और वो भी बैल की पीठ पर? फिर भला आम की गुठलियों से कहीं बरगद के पेड़ भी निकल सकते हैं? ये तो कोरी झूठी कहानी है। तभी राजा के दरबारी बोल उठे, हाँ हाँ महाराज ये बिल्कुल झूठी कहानी है। ये सब दृश्य वो कहानीकार भी देख रहा था और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। वो आगे बढ़कर आया और बोला, महाराज चरवाहे ने दूसरी कहानी भी आपको ठीक ही सुनाई है, क्योंकि आपकी शर्त के अनुसार इसे झूठी कहानी ही सुनानी थी और आप सब इसकी कहानी के झूठेपन को स्वीकार कर चुके हैं। ओह बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर राजा ने चरवाहे से कहा, ठीक है चालाक लड़के, तुम्हारी दूसरी कहानी भी हमने झूठी मान ली, अब तुम तीसरी कहानी हमें सुनाओ। क्षमा करें महाराज, तीसरी कहानी सुनाने के लिए मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही थक गया हूँ। राजा ने चरवाहे को घर जाने की अनुमति दे दी। जब चरवाहा दरबार से चला गया तो राजा सोच में पड़ गया, ये कमबख्त चरवाहा बड़ा ही चालाक है, यदि इसकी तीसरी कहानी भी झूठी साबित हो गई तो मुझे इसे मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा, और मुंह मांगे इनाम में ना जाने ये क्या मांग ले। उफ, इसकी तीसरी कहानी तो हर हालत में सत्य बतानी पड़ेगी, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने चापलूस दरबारियों को बुलवाया और कहने लगा, सुनो सज्जनों, ये चरवाहा कल जो भी तीसरी कहानी सुनाए उसे तुम सब सत्य है कह देना। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर अगले दिन जब चरवाहा राजा के दरबार में आया तो वो तीसरी कहानी सुनाने लगा। महाराज शायद आप नहीं जानते कि आपके पिताजी मेरे दादाजी के घनिष्ठ मित्र थे। चापलूस दरबारी कहने लगे, हाँ हाँ ये सब हम जानते हैं, ये सच है। चरवाहे ने जब दरबारियों की ये हरकत देखी तो वो मन ही मन में भांप गया कि ये लोग उसकी कहानी को सच्चा साबित करने पर लगे हैं। अतः वह तुरंत राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी पूरी सुने बगैर मुझे बीच में टोका ना जाए। ठीक है, सब लोग खामोश रहें और इसे कहानी पूरी करने दें। सबके खामोश होने पर चरवाहे ने कहा, एक बार आपके पिताजी ने युद्ध में अपना सारा धन फूंक दिया और उनको राजपाट चलाना मुश्किल हो गया। आपके पिताजी मेरे दादाजी के पास मदद मांगने के लिए आए और कहने लगे, मित्र आज मैं तुमसे कर्जा मांगने आया हूँ, मुझे राजपाट चलाने के लिए बहुत से धन की जरूरत आ पड़ी है। आपके पिताजी ने, हाँ हाँ मित्र जितना धन चाहिए ले लो, बुरे समय में मित्र ही अपने मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा, आओ मेरे साथ आओ। तब मेरे दादाजी आपके पिताजी को अपने विशाल खजाने में ले गए और आपके पिता के सामने सिक्कों से भरे हुए 10 बड़े बड़े संदूक रख दिए और कहने लगे, ये सोने के सिक्कों से भरे हुए 10 संदूक तुम अपने सैनिकों से उठवा लो, यदि और भी धन चाहिए तो निसंकोच मांग लेना। आपके पिताजी ने कहा, धन्यवाद मित्र, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, और हाँ तुम चिंता ना करना, मैं ब्याज के साथ
जल्दी ही तुम्हारा धन लौटा दूंगा। लेकिन महाराज, कई साल बीतने पर भी आपके पिता ने मेरे दादाजी से लिया हुआ धन नहीं लौटाया। एक दिन आपके पिताजी सख्त बीमार पड़ गए। मेरे दादाजी को बुलवा कर कहा, मित्र, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारा कर्ज अपने जीते जी नहीं लौटा सका, परंतु मैंने अपने बेटे को ये सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हारा सारा कर्ज चुका देगा, और अगर वह भी तुम्हारा कर्ज चुकाने में सफल ना हो सका तो तुम उसका सिर मांग लेना। उसके बाद आपके पिताजी ने दम तोड़ दिया। उनके मरने के कुछ दिनों बाद ही मेरे दादा भी सख्त बीमार पड़ गए। तब उन्होंने मेरे पिता को बुलवा कर कहा, बेटे, मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं कुछ क्षणों का ही मेहमान हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। राजा वीरभुज का बेटा चतुर्भुज, जो अब उस देश का राजा है, मुझसे लिया गया वह कर्ज तुम्हें चुकाएगा जो मैंने उसके पिता को दिया था। उसका ब्याज लगाकर उससे वो धन ले लेना। वह धन इस पूरे देश को बेचकर मिलने वाले धन जितना ही है। यदि वह तुम्हें कर्ज वापस लौटाने से मना करे तो तुम उसका सिर मांग लेना। और ये लो कागजात, इसमें दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। इन कागजात को दिखाने पर राजा चतुर्भुज कभी कर्जे से मुकरेगा नहीं। और महाराज, उसके बाद मेरे दादाजी पिताजी भी चल बसे। लेकिन मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे ये सारी बात बता दी थी, वो कागजात भी दे दिए थे, परंतु क्योंकि मुझे ये बात याद नहीं रही, इसीलिए मैं अपना धन आपसे मांगने नहीं आया। लेकिन आज ये कहते कहते चरवाहा अचानक खामोश हो गया। चरवाहे के अचानक खामोश होते ही सभी दरबारी, जो गवाले की कहानी को इस बार हर हालत में सच्ची साबित करने की कोशिश पर तुले थे, वे सब एक ही स्वर में बोले, ये सच है, ये कहानी सच है। लेकिन दरबारियों की बात सुनकर राजा बुरी तरह से घबरा गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मेरे पिता ने इसके दादा से कभी कोई कर्ज नहीं लिया। ऐ चालाक लड़के, बता तेरे दादा का दिया हुआ वो कागज कहाँ पर है जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। चरवाहे ने एक कागज राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये है वो कागज महाराज। ओह, ये तो सच नहीं हो सकता, लाओ दिखाओ मुझे। कागज का निरीक्षण करते ही राजा गुस्से से चीख उठा, इस पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, तुम जरूर ही झूठी कहानी सुनाकर हमें ठगना चाहते हो। ठीक है महाराज, तब आप ही फैसला कर लें, यदि मेरी कहानी झूठी है तो आप अपने वचन के अनुसार मुझे इनाम दें, और यदि कहानी सच्ची है तो मुझे इसी समय ब्याज समेत मेरा धन लौटा दें, या फिर अपना सिर कटवाइए, उसके बाद ही आप मुझे सजा दे सकते हैं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। राजा सोच रहा था, इस चालाक चरवाहे ने मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया, यदि इसकी कहानी को सच बताता हूँ तो सारा राजपाट देना पड़ेगा या अपना सिर कटवाना पड़ेगा, और यदि इसकी कहानी को झूठा कहता हूँ तो इसे मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा। उफ, अब क्या करूं। काफी सोचने विचारने के बाद राजा ने कहा, हम तुम्हारी कहानी को बिल्कुल झूठी मानते हैं, ऐ नौजवान, अब मेरे वचन के अनुसार बताओ कि तुम इनाम में क्या चाहते हो। महाराज, इनाम के रूप में मैं आपकी बेटी यानी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। एक बार तो राजा ये सुनकर भौचक्का रह गया, परंतु वो अपने वचन से बंधा हुआ था, अतः उसे चरवाहे के साथ अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ी। और अब वो चरवाहा राजा का जमाई बन चुका था, ना चाहते हुए भी अब राजा को उसे पूरा सम्मान देना पड़ता था। इसके बाद वो चरवाहा बड़ी ही खुशी से राजकुमारी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। पुराने समय की बात है, राजा कृष्णदेव बंगाल राज्य पर राज किया करते थे। उनके दरबार में गोपाल भांड नाम का एक दरबारी था। वैसे तो उसका काम महाराज का मनोरंजन करना था, और वह तरह तरह के लतीफे सुनाकर महाराज का मन बहलाया करता था। साथ ही साथ गोपाल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान भी था। राजा कृष्णदेव का दरबार मनोरंजक चर्चाओं के लिए हमेशा प्रसिद्ध था।
महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें करके अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दी। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया तो किसी ने ढाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भांड अपने आसन पर चुपचाप बैठा हुआ था। महाराज ने उसे चुप देखकर कहा, गोपाल तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम भी कुछ बताओ। गोपाल ने कहा, महाराज मेरे दरबारी मित्रों ने अब तक जो कुछ भी बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बताओ कि सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के नजदीक आया और उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगा, महाराज मैं कद में आपसे लंबा हूं और तगड़ा भी है ना? महाराज ने कहा, हाँ सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज मेरा शरीर आपके शरीर से ज्यादा स्थूल है ना? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों बताओ क्या मैं महाराज से बड़ा हूं? गोपाल भांड के इस सवाल पर सभी दरबारी हैरान रह गए। सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भांड ने कहा, महाराज इस समय ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं और ना ही हो सकता हूं। महज कद काठी या आकार प्रकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग यहीं पर भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया, किसी ने पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा रुकने के बाद गोपाल ने फिर से कहा, महाराज मेरी समझ में सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता होता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है और ये एक औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोग में लाया जाता है। महिलाओं के होठों का श्रृंगार है पान, तो ब्राह्मणों और विद्वान जनों के मुख शुद्धि का साधन भी। इस तरह से गोपाल भांड ने पान के अनेकों गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर है, उसकी लंबाई चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान के पत्ते में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं है, इसीलिए मेरी समझ में पान का पत्ता ही सबसे बड़ा है। महाराज गोपाल के उत्तर से बड़े ही खुश हुए और बाकी दरबारियों ने भी गोपाल की बुद्धि की सराहना की।